छत्तीसगढ़ प्रदेश स्टैंड बॉल एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक पावर हाउस स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई। बैठक में स्टैंड बॉल प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करने पर चर्चा कर प्रथम राज्य स्तरीय स्टैंड बॉल प्रतियोगिता की तैयारियां और प्रतियोगिता की तिथि को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्टैंड बॉल प्रतियोगिता के सफलता पूर्वक आयोजन के लिए एक समिति का गठन आने वाले समय में किया जाएगा, जो प्रतियोगिता को सफल करने कार्य योजना बनाएगी। इस बैठक में मौजूद पदाधिकारियों की सहमति से विभिन्न प्रदेशों से आमंत्रित स्टैंड बॉल खेल सचिव व अध्यक्षों का आगामी महीनों में सेमिनार आयोजित करने पर सहमति बनी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्टैंड बॉल एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक पावर हाउस स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई। बैठक में स्टैंड बॉल प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करने पर चर्चा की गई। साथ ही पहली बार राज्य स्तरीय स्टैंड बॉल प्रतियोगिता की तैयारी प्रतियोगिता की तिथि को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्टैंड बॉल प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए एक समिति का गठन आने वाले समय में किया जाएगा, जो प्रतियोगिता को सफल करने कार्य योजना बनाएगी। इस बैठक में मौजूद पदाधिकारियों की सहमति से विभिन्न प्रदेशों से आमंत्रित स्टैंड बॉल खेल सचिव व अध्यक्षों का आगामी महीनों में सेमिनार आयोजित करने पर सहमति बनी। बैठक में विशेष रूप से उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी, साथ ही स्टेट कोऑर्डिनेटर ने भी इस तरह की जानकारी दी। जी अरविंद चतोड़िया, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टैंड बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम आज छत्तीसगढ़ में स्टैंड बॉल खेल को विस्तार को लेकर आज यहाँ पर एक प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और मैं आभार व्यक्त करता हूँ छत्तीसगढ़ स्टैंड बॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शाहीन जी और साथ ही निजामी जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और आज आप देखिए कि स्टैंड बॉल एक ऐसा खेल है, छत्तीसगढ़ का ही खेल है, बिलासपुर से जन्मा है। तो छत्तीसगढ़ के ही पूर्व खेल अधिकारी स्वर्गीय श्री हिदायत अली जी, जिन्हें स्वर्गीय कहना सही नहीं होगा, तो हिदायत अली जी ने इस खेल को बनाया और आज ये खेल भारत के 12 से 15 राज्यों में खेला जा रहा है और साउथ एशियन कंट्रीज में आज ये खेल अपनी पहुँच बना रहा है। और छत्तीसगढ़ में आगामी नवंबर माह में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और जिसमें मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सभी जनपदों के खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ की स्टैंड बॉल टीम का चयन किया जाएगा, जो कि आगामी 20-21-22 दिसंबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो ये एक अनूठा आयोजन है और एक अनूठा खेल है स्टैंड बॉल, जो कि आगे चलकर भारत के हर कोने में ही नहीं, विश्व के हर कोने में खेला जाएगा। और जब खेला जाएगा तो इस खेल की जो पहचान होगी और भारत इसके लिए अपने आप में खुद को अनुभूत महसूस करेगा कि ये खेल हमारा है और एक भारतीय खेल होने के साथ साथ हम सभी को, हर भारतवासी को, हर प्रदेशवासी को, हर जनपदवासी को स्टैंड बॉल खेलना चाहिए और स्टैंड बॉल खेल को लेकर प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमें, हमारा तो मेन उद्देश्य पहले स्टैंड बॉल को आगे बढ़ाना, उसके लिए हमें जितने संभाग हैं और वहाँ से प्लेयर तैयार करना है और प्लेयर तैयार करना, उसके स्टेट चैंपियनशिप करानी है, टूर्नामेंट्स कराने हैं। जी बहरहाल बैठक में बड़ी संख्या में खेल संघ से जुड़े लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।